किरांची आ रहे हैं हम, किरांची। अभी हमारे जो मंजिल है वो बहुत ही दूर है, वो तकरीबन 800 किलोमीटर दूर है। हमारी एक भी नहीं चलती है मुझे पता, इसलिए मैं ये सोच सकता हूँ। क्या क्या? अबे लड़के पानी ले आया तू? आइए, कौन लोग हैं वो भाई? 25 घंटे मुस्तकिल गाड़ी चलाने के बाद हम लोग छः बज चुके हैं सुबह के और सर्दी बहुत ज़्यादा है। आज जो है ना फॉग इतनी ज़्यादा है कि मोटर में बंद है, लेकिन हमने आज जाना है लाहौर से बाहर और बहुत दूर जाना है। बता दूँ ना बताऊँ पता नहीं, व्लॉग के आगे जाके आई डोंट नो। लेकिन आमिर भाई और अवैस भाई जो है वो अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करवा रहे हैं। पहले उन्होंने मुझे घर से पिक करना था लेकिन वो नहीं किया पिक, अब मुझे जाना पड़ेगा। बाइक लेने जा रहे हैं यार, बाइक लेने जा रहे हैं। पता नहीं वीडियो कब आती है, किस तरह आती है, लेकिन हमें एक बाइक का ऑप्शन नज़र आया और वो बहुत दूर है यहाँ से, 900 किलोमीटर चली हुई बाइक है। प्राइस भी अच्छी थी, डील अच्छी थी, तो हमने कहा चलो यार एक कर लेते हैं, इन्होंने जाके देख लेते हैं बाइक को। और बड़ा सडन प्लान बना है बाइक का, आगे जाके अगले व्लॉग्स में इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए तो मुझे बड़ी अनसर्टिनिटी है, बाइक मिलती है नहीं मिलती है, अच्छी मिलती है कैसी मिलती है, तो जैसी भी है उसको भी जाके देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आमिर भाई और अवैस का शुक्रिया, वो लोग जा रहे हैं अवैस की गाड़ी पर जा रहे हैं। अवैस को कराची जाने का बहुत शौक था, हमने कहा चलो भाई पहले सोचा कि ट्रेन पर जाएँ, लेकिन थोड़ी सी आज़ादी वजादी नहीं होती, तो हमने कहा चलो गाड़ी पे चलते हैं। तो लेट्स गेट गोइंग। थोड़ा सा ये सामान है, बाकी अभी जो है वो तैयार होते हैं, पैक होते हैं और फिर गाड़ी में मिलते हैं आपको। यो अभी भाई सुबह का मैंने व्लॉग जो है ना करना शुरू किया, अब आ रहे हैं तो कब आ रहे हैं यार असन भाई? 10 बज गए। अब हमारे साथ जो अपना के कहते हैं मेंबर्स हैं हमारे, वो हैं इसी तरह के, कोई उठता नहीं है, कोई सोता नहीं है, कोई रात को अपना पड़ोसियों के झगड़े सीधे कर रहा होता है जाके। हाँ वैसे एक बजे तो वैसे कह रहा था कोई 40 बना हुआ रात को, एक बजे कौन से झगड़े सीधे करने गया हुआ था भाई तू? तने कोई जो है ना वो जनाब अली 7 बजे अपने पास बुला के नाश्ता भी नहीं करवाता और बिठाता भी नहीं, चाय पिलाई है मैंने बंदे को। मुद्दा इस तरह के हम जा रहे हैं बाइक लेने और मोटर पे बंदा, अब करना क्या? बस अब चलेंगे हम कहाँ से? मोटर पे भी बंदा बंद, पंचर लगवाते हैं फिर एक चांस लेते हैं। हाँ मोटर पे खुल गया तो ओके, अदरवाइज प्रॉब्लम मुल्तान रोड पे चढ़ पाएंगे। सारे जो ट्रैफिक जाम है सामने वो लोग मोटर पे किए, ट्रक्स वगैरह रुके। ये देखें जी आप, टायर का पंचर लगने लगा है और इससे पहले अभी हमने इंजन ऑयल चेंज करवाया था। हाँ अभी हम जो है ना मेन काम करना था वो नहीं करना, वो अभी शुरू भी नहीं हुआ। हाँ। उससे पहले हमने मेजर 3 काम करा बैठे हैं। अभी हमने नाश्ता करना है फिर हमने घर वापस चले जाना है। नहीं वो भाई इतना बड़ा कील लगा हुआ, कील नहीं सर, ये राहुल बोल्ट है, ये बोल्ट समझ ले, बोल्ट भी समझ जो अंदर घुस गई है और पिछले 2 महीने से हम इसी हालत में इसको चला रहे हैं। तो अभी हम रिस्क नहीं ले सकते कि हमने बहुत दूर जाना है। कितना दूर जाना है? हमने सर बहुत दूर जाना है, बताना नहीं, ज़्यादा दूर जाना है, इतना दूर जाना है कि हमें जाने जाने में जो है ना वो तकरीबन 1 पूरा दिन लग जाए। ओए ओए बहुत दूर जाना है भाई, जलील हो गए, खराब हो रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो भाई? हेलो हेलो पैसे निकाल रहा हूँ, अगले बंदे का उधार देना है मैंने। यहाँ तो भाई मजा की है गाड़ी के अंदर, क्या एकदम जो है ना पीछे वो भाई। ओए 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 भाई साहब, आमिर भाई की वजह से परेशानी बन गई, ये सारा काम हुआ है। हमें जाना, हमने कहा था अभी तक लाहौर के अंदर बैठे हुए, लाहौर में बैठे हुए नाश्ता करके यहीं से वापस घर। अबे अभी नहीं कर सकता, ड्यूटी छोड़ के मिलती है, कारोबारी बंदा नहीं कर सकता। मैं पता नहीं कितना टाइम निकाले बैठा हूँ। और ज़ालिम और एम टैग नहीं लगा हुआ और अब हम जलील होंगे। ओए थाने वाला कार्ड दिखा, ओ भाई साहब ये लेफ्ट साइड पे सर्विस लेन है, कर तो वैसे अच्छा ही दिया, सही है, लेकिन एम टैग के साथ बैलेंस का बोले ना, एम टैग होता है बैलेंस नहीं होता उसका, पता है तरीका कार क्या है उसका, तरीका क्या है, लो बैलेंस पे फाइन डाल दे, अगर आपके लो बैलेंस है लो बैलेंस वाली लेन में चले जाओ। क्या चल रहा है? रश टैग तो फ्री है 31 दिसंबर का कर दे भाई, टाइम पे लगवा दे ना, मोबाइल पकड़ना, टाइम पे लगवाना चाहिए लोगों को, एम टैग के बगैर एंट्री नहीं है भाई। बस ऐसे ही लगाना है ना, ये तो नहीं करना पिछला ना ना, बस ये लग गया। ओ भाई कितना 5-6 लाख करवा लिया इसमें, लंबी लंबी लाइन है भाई। टायर कौन से टायर सर? गलत नंबर मिला दिया
कितनी जल्दी चली आ रहा था नीचे। 7-8 सेकंड में 10 गाड़ियां भुगत दी। एमटेक का फायदा है यार, मर्जी होगी भाई। अब हमने लेफ्ट होना है, बोर्ड शॉट देखी आगे जाके हमने लेफ्ट होना है। अभी हम जा रहे हैं किया वो रेड वाली टाइल और ओ भाई साहब जनरेटर फिर टाइलें बेचने पे लगा हुआ है। अब जब भी व्लॉग्स में आता टाइलें बेच रहा हूं। उच्च शरीफ हमने जाके अभी रुकना है जी, ड्रॉप करना है जी बिल्कुल भाई को। वो तो बहुत लंबा रास्ता अभी तो सफर। ओ भाई 11:30 से 4:30 हो चुके हैं जी, तो हमें ये अपना सकर से पहले स्टे कर लेना चाहिए था लेकिन डोंट हैव टाइम। बाय कराची आ रहे हैं हम। कराची जा रहे हैं। कराची के बॉयज से मुलाकात नहीं होगी इस दफा। तो किसी से मुलाकात नहीं होगी यार, टाइम ही नहीं इतना। आज हम लोग जो है ना लाहौर से सुबह तकरीबन 10:30-11 बजे निकले हैं। 10:30-11 बजे निकले थे। चलो मैं था यार, तो कार शार के नहीं, हमारा प्रोग्राम था, हमने एक लॉन्ग राइड पे जाना था मगर वो हमारा डिले होता गया। ड्राइव बहुत ही लॉन्ग है, बहुत ही लंबी है। अभी तो समझे कि हमने उसका एक तिहाई सही कम्प्लीट किया सिर्फ। तू तो मजदूरी मेरा तो। अब एक भाई हमारे साथ जा रहे हैं, इनका नाम है शाकिर भाई, ये आमिर भाई के दोस्त हैं। तो इनको उतारना है एक जगह पे, शरीफ जगह का नाम है, किराया भी बता दे। तो वहाँ उतार के इन्होंने वहाँ पे आके मछली का प्रोग्राम रखा हुआ है। मछली में भाई सच्ची मछली है और इसके अलावा फ्राई है और मछली के पकोड़े। ये पहली बार ही ट्राई करेंगे मछली के पकोड़े। ये देख लें, हमने ये सामान लेके रखा हुआ है जो कि हम लोग नहीं खा रहे बाकी ये कि इंशाल्लाह वो आज पहुंच के ट्राई करते हैं। पहले एक डेढ़ घंटे में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। टैक्स का तो पता नहीं, मैंने भाई से बोला था अपना कार्ड दिखाओ ताकि बचत हो जाए। भाई ने कहा नहीं नहीं यहाँ पे बिल देना पड़ेगा। मैंने कहा बिल तो दे रहे हैं हम लोग सुबह देखे रखी होंगी उन्होंने देखे रखी होंगी देखे भी थी और आम का सेटअप था पूरा ना उनका। मुझे नाम से निकलते हैं सुजुकी बुक कराई होती है, वैगने, कोस्टर्स, बीच पे बेच के चूल्हे, हर चीज, चटाइयां, हर चीज रख कर ली। हाँ पूरा एक मोहल्ला कंट्रीब्यूट करके फिर जाता है ऑर्गेनाइज करता है। अच्छा ये रियलिटी है वो अपना क्या कहते हैं वहाँ पे जाके पिकनिक मनाते हैं। वो भाई जुल्फे चेक कर रहे हो लड़के को, पंचनद बिराज ये मेरे ख्याल से। अच्छा यहाँ से राइट में मछली खाने के लिए जो है ना क्या क्या करना पड़ता है। अभी हमारे जो मंजिल है वो बहुत ही दूर है, वो तकरीबन 800 किलोमीटर दूर है। अच्छा लेकिन हम क्योंकि मछली खाने की ख्वाहिश रखते हैं तो अंग्रेजों के दौर का ये वीडियो तो नहीं यहाँ पे मना तो नहीं। अवेश आओ दरिया देख के आते, बी केयरफुल। ओके उच्च शरीफ, ये उच्च शरीफ है वो जगह है जहाँ पे पांचों दरिया मिलते हैं आगे। ओ भाई ड्रोन होता तो फिर हाँ? लेकिन अभी ड्रोन नहीं है। अभी हम दरिया देखने जा रहे हैं क्योंकि हमारी मछली जो है वो तंदूर के अंदर दफन हुई हुई है। मीनवाइल बैराज वो यहाँ ऑफ रोड करने का जो मजा आएगा ना इस रोड पे, बिल्कुल ही कोई मेंटेनेंस वगैरह वाला काम नहीं, गंदी लगती जगह नहीं है ना। थोड़ा सा यहाँ ऐसे ग्रीन बस कर दें सीधी करके इसको। ये तो अभी कुछ ना कुछ ये इमारतें अभी बनी हुई है, नहीं तो यहाँ कुछ भी नहीं था। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, सिर्फ मैनेजमेंट चाहिए, मेहनत भी नहीं। वो का है पुलिस स्टेशन तो जाना है। तन्ने जाना है क्या हवालात में? चले तो आ जाएगा हवाला यार, हवालात में रात गुजारनी हो तो शाकिर भाई, हवालात में रात गुजारनी हो तो इंडस रिवर नहीं है, बाकी सारे दरिया इतने हैं। मैं इसीलिए 6 दिन कह रहा था मेरी जान, एक ने एक नहीं कम है इसमें। अभी ये इंडस जो है ना आगे, ये एक हमारी थाने की चौकी है, चौकी सरकी कहते हैं उसे, वहाँ पे इंडस और चनाब दोनों मिल जाते हैं। सही शिकार वहाँ पे होता है। दरिया ये इस तरफ से आ रहे हैं
जो पानी का बहाव, इसका कलर डिफरेंट होता है, जो उधर इंडस वाटर होता है उसका कलर डिफरेंट होता है, और इसकी स्पीड कम होती है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। मछली जो होती है ना, जो इंडस वाली होती है, वो मतलब जो तेज़ पानी से निकल के स्लो पानी में आके ठहरती है थोड़ी देर, जो चनाब वाला पानी होता है, ये स्लो होता है ना, इसकी स्पीड कम होती है, वहाँ पे इसका शिकार होता है मछली का। शार्क शूट भी होती है भाई? हाँ, डॉल्फिन, ब्लाइंड डॉल्फिन मैंने खुद देखी हुई है। फिन, हाँ, ब्लाइंड डॉल्फिन खाई जाती है आपको? हर चीज खानी है बस, नहीं जब मेंढक वगैरह है। कितनी है टोटल? इसके अंदर मसाला होगा सारा, तंदूर से निकाले ना मछली का, इसके अंदर सारा मसाला भरा हुआ होगा। अच्छा, एक होगी पकोड़े वाली, अब इसने ये मना की हुई है कि ये नहीं करवानी। सज्जी करवाई है ना, इसीलिए ये है फ्राई सज्जी, और वो जो है वो तंदूर वाली सज्जी। मैं तो ये कितनी है? छोटी कितनी? 1 किलो की है ये, 1.5 किलो की। अगर नहीं समझे वापस दरिया में डाल दी। कोने में चलो, रोशनी में अंधेरे में मछली कहाँ से खाए, कंडे कौन कटेगा? सही है, आपको व्यू भी मिलेगा। ओ भाई, इधर से सांस से पकड़ी भी जा सकती है, किसी फॉर्म वाले गद्दे पे। कितनी देर में लेंगे हम ये हैं? कितनी देर में लेंगे मछली? बस दे दी, अभी कम से कम 20 मिनट और लगेंगे, और हम सुबह 5 बजे तक गाड़ी चलाएंगे। ये कौन सी वाली जगह भाई? तंदूरी चावल देते क्या देते हैं? एक तो सफर तकरीबन कोई 7-8 घंटे। ओ भाई नहीं करो, हाँ तकरीबन होती है बड़ी हुई है। ऐसी फिर नहीं भेजा नाश्ते पास महीना है, उसी बंदे काम है तो नाश्ता इंतजाम की। हद हो गई यार आज तो, अभी मैंने जिंदगी में सफर में इतना नहीं खाया। सही बात भाई, 2 रोटियां। हाँ जी, अभी हम निकलेंगे यहाँ से, और अभी हमारा तकरीबन 10 घंटे का सफर बाकी। 10 से 12 घंटे भाई, टाइम देख रहे हो, 6 बज गए रात के। 6 बज गए, इंशाल्लाह हम सुबह 5 बजे लाहौर कराची पहुँच जाएंगे। हमें बता रहा नहीं था कि हम कराची जा रहे, मतलब ये कि कराची के पास क्या हो गया, कराची के मतलब जो है वो भी हो सकता है थर पार कर। ओ भाई ये क्या, स्नैक्स, स्नैक्स से भरी हुई ये गाड़ी है। ओए ये मतलब कितने किलोमीटर? 399 किलोमीटर हुए अभी। जिसके अंदर वो कहता है यार वो वकील, 399 किलोमीटर होगी यार अभी, आप 600-700-800 किलोमीटर रहती है इसमें, 800 किलोमीटर की गेम है। LLB में कहते हैं उसे, LLB 2 में भाई बिल्कुल गुपंदेरा बाइक चल रहा है। बात नहीं ना, और अभी हम 4 लोग थे, हम 3 लोग रह जाएंगे, और फिर हमने ये करा हुआ है कि पीछे नहीं, जिसने सोना होगा वो पीछे चला जाएगा। सबसे पहले आमिर भाई सोएंगे ना, आमिर भाई सबसे पहले सोएंगे हाँ, और उनका सामान भी रेडी है। आमिर भाई तो आपको ऐसा सो के दिखाएंगे ना, इंशाल्लाह अगली मुलाकात कराची में होगी। ये ना हो के कोटरी बिराज में जो है आमिर भाई को जो है वो बोनट के ऊपर पहन, नहीं नहीं नहीं, अच्छा 3 सीट बेल्ट पहन के सोना और ताला लगा दूंगा। सुनता सही, आमिर भाई की अस्थियां जो है वो कोटरी बिराज में बाहर हैदराबाद में, 2 घंटे का सफर रह जाएगा, मैं 2 घंटे तैर के पहुंच जाऊंगा। हाँ तनवीर कितना पहुंचे हुए यार, बहुत मजे की मछली थी यार, कमाल एंड ऑल। क्या था नाम इसका मछली वाले का? मछली वाला गुलाम हैदर मछली। अच्छा, मैं रोड के ऊपर भाई एंड हो गया, लड़के लोग ढूंढ ढूंढ के जा रहे हैं उसको, ये मेन है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो लोग इतना नहीं रुक रहे, लेकिन वो अंदर करके, लेकिन 3 तरह की मछली, एक थी ग्रिल, एक थी सज्जी जो तंदूर के अंदर उन्होंने ना फॉइल में लपेट, फॉइल में लपेट मंड के रखे, एक थी पकोड़ा मछली फ्राइड, हाँ रोल पट्टी की, तीसरी थी, तीसरी ग्रिल थी, तीसरी फ्राइड थी, मुफ्त में काम कर रहा है, एक पकोड़ा फ्राइड थी, एक पूरी फ्राइड थी मछली। अच्छा नहीं है, चलो बहुत मजे का टेस्ट था, जो एंड पे थी ना उसका वो फीकी फीकी थी ना,
मैंने आज तक नहीं खाई ऐसी मछली तो कभी आप यहाँ आए तो आपको आखिर भाई को अलविदा कर रहे हैं। ओ भाई बस कर दे अभी, तू खा पी के आए 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 अभी बस कर दो यार। चलो क्या करोगे, बस करो यार। शाकिर भाई को अलविदा कर। ओ भाई आओ, शाकिर भाई को अलविदा तो कर दे। कौन है यार, अलविदा करें कैमरे में, कैमरे में देख के आते हैं वापस। नहीं बाबा, नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा ना लाहौर, हां जी प्रॉपर प्लान करेंगे कंपनी का, राइड एक राइड करनी है इकट्ठे इंशाल्लाह। डन हो गया, ठीक है, ओके अल्लाह। कराची सखर 277 किलोमीटर, अहमदपुर शिरकिया 22। मोटर पे फाइनली हम चढ़ चुके हैं, 413 किलोमीटर हमने कर लिया और आप कह रहे थे 5 के एवरेज पे चल रहे हैं। 7:05 अपनों से दूर लाहौर से जाते हुए गाड़ी के अंदर हम लोग जो है लॉइंगिंग एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं गाड़ी के अंदर। आमिर भाई जो है ना वो सोने की तैयारी कर चुके हैं, सो गए भाई, कंबल खोल लिया आपने, फायदा देखा, गाड़ी के पीछे सीट पे पूरे आराम से सो गए और नॉइज कैंसलेशन वाले हेडफोन्स अच्छा वो भी लगा चुके हैं और वो अपना कुशन नहीं लिए इन्होंने, वो मेंढक वाली कैप पहनी हुई आगे आगे से पड़ी हुई है। अभी फासला हमारा रहता है 800 किलोमीटर भी है, 750 आप लगाए, हम सुबह 7 बजे के निकले भी और अभी हमने से 400 किलोमीटर के निकले। कुछ भी नहीं करा हमने, सही है, जाने दो। अभी मैं और अवैध जो है ना हम भारी भारी गाड़ी चलाएंगे, आमिर भाई ने जवाब दे दिया और ये अवैध की जो दिल, अब हमने ना पता क्या करना है, पता क्या करना है, हमने सखर पहुंच के लाजमी बिरयानी खानी है। रहीम यार खान की इंटरचेंज से उतर के हमने पेट्रोल डलवाया और अब हम दोबारा मोटर वे पे आ गए और अब हम लाइन किंग देखेंगे। किसी को मिलती है शाही दावत, वीआईपी शावर, गेट गोइंग विद गो, वीआईपी शावर भी इधर ना, हां 50 रुपए वाले, ओ भाई हां हां आने वाले 50 रुपए में यार, ये गाड़ी वालों के लिए सुविधा दी हुई है, जरूरत तो बाइक वालों को होती है। सही कह रहे हैं ना, है ना, हम तो घर से गाड़ी में नहा धो के निकलते हैं तो अगली जगह स्टेशन पहुंच के। सही बात है, हां हां यहां बाइक से अलाउ करें ना, अगर वॉशरूम बना दिए अब तो बाइक से अलाउ कर दें। बिल्कुल, ये वैसे बाइक से अलाउ क्यों नहीं करते, मतलब क्या क्या नाम है, क्या देर लग रही है। अब्दुल हकीम, तुम बड़ी बाइक से अलाउ कर देना। अब्दुल हकीम आ गया जी, ये अभी से बुला रहा है, अब्दुल हकीम के पास जाना पड़ता है, खुद नहीं आता। 3180 रुपए हो गए, कहना 3200 पूरा कर दे, 3200 पूरा तो करे, पहले 2 रुपए तुम महंगा दे लो, करो ना भाई। भाईजान भाई 10:02 और सखर पहुंचे हैं अभी और थोड़ी सी लाइन लगी हुई है, छोटी सी ज्यादा लाइन लगी हुई है। अभी सखर में बिरयानी का प्लान यहां से पूरा 400 किलोमीटर रिमेनिंग कराची, 400 किलोमीटर बिल्कुल ऐसे ही जैसे लाहौर से इस्लामाबाद मोटर वे, थोड़ा सा और ज्यादा, बल्कि नहीं ये तो लाहौर से नहीं, ये तो लाहौर से हरिपुर मोटर वे नहीं है ना, ये है ना, ये खत्म एंड हो गया वो भाई, अब जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अब जरा जो है ना वो जरा सीट बेल्ट है जो है ना कसनी पड़ेंगी, अब हाँ रोड जो है ना जरा हैवी मामला हो रहा है। आमिर भाई जो है ना वो पीछे रेस्ट इन पीस हुआ है, अरे एक भी नहीं चलती है मुझे पता है, इसलिए मैं ये सोच सकता हूँ। क्या क्या अल्फा, तो अल्फा मेल का पता है कॉन्सेप्ट जी, तो हम जब इकट्ठे होते हैं ना तो आमिर भाई जो है ना वो अल्फा मेल होते हैं, बाकी सब जो ना इनके नीचे इनके चेले होते हैं। इसको अगर हर्फ हम में आसान भाषा में समझाया जाए तो साईं अब हम एंटर हो चुके हैं सिंध की जमीन में, बड़े पुराने वक्त से एंटर हुए हैं। ये आयतुल कुर्सी के बहुत स्ट्रांग है, ये मैंने बड़े बंदों से सुनी ये कहानियाँ। एक सब्सक्राइबर है वो मुझे बता रहा था कि मैं गली में जा रहा था, बड़ी तंग गली में, और बच्चों के स्कूल की वैन थी और
बच्चे ने दरवाजा खोल दिया। अच्छा। कहता है आई स्वेयर कि मैं दरवाजे रास्ता नहीं था बाइक गुजरने का। अच्छा। कि मैं ऐसे भी करके गुजर जाता। ठीक। और मैं इतनी स्पीड पे था कि मैं रुक नहीं सकता था, मैंने आंखें बंद कर ली। ठीक। जब मेरी आंखें खुली है ना तो मैं उस गाड़ी से आ गया था। ये सच है, ये झूठ नहीं है। और ये मैं हमेशा से पढ़ता आता हूँ। एक दफा मैंने बिल्कुल ऐसी ये मैंने खुद भी चीज़ें एक्सपीरियंस की है। और आपको यकीन होना चाहिए अभी यहाँ से 450 किलोमीटर है ना, ऐसा ही रोड है सर, 462 किलोमीटर तकरीबन इसी तरह है। ओ भाई खतरनाक रोड है ये तो, चल रहा है। ओ भाई ये तो दिन में देखने वाला रास्ता था सारा। अबे यार ये आमिर भाई की वजह से रास्ते में टीले मिले भी चल रहे हैं। अबे यार अभी मैं वापस आऊंगा इसी रास्ते से, अपना ऑयल चेंज होने वाला था, मुझे बोल्ट लगा हुआ था, मैं पंचर हुआ पड़ा था कसम से। मतलब गाड़ी रखी हुई है बंदे ने और बंदा मौके के इंतजार में है कि कब मुझे मौका मिले किसी के तरह किसी की तरफ से और मैं ये सब कर लूं। ठीक है, सारे टाइट करवा लेते हैं। मतलब गाड़ी का ऑयल भी चेंज होना था भाई, मेरी बात गाड़ी की सर्विस भी होने वाली भी नहीं, और गाड़ी के टायर में से दो कील भी निकले। मैं आपको बताता हूं, और कील भी ऐसे एक कील और एक बोल्ट ऐसे, लोगों ने ऐसे ऐसे किए भाई। क्या तुम लोगों के साथ करते हो, बदले ले रहे हैं लोग तुमसे। वो बंदा कहता है कि भाई आपका टायर चेंज हो, एम टैग भी नहीं लगा हुआ था और इतना वहां रश लगा हुआ था, वहां रश लगा हुआ था। कौन है, कौन ये? लेकिन भाई की खुशकिस्मती है कि धुंध भी थी, अगर धुंध ना होती तो इसमें मलबा बहुत गिरना था। 11:30 बजे धुंध खत्म हुई और हम 11 बजे फ्री हुए थे तकरीबन। हाँ, 11:30 बजे पोर्टल पे चढ़ते। हाँ, तो उसी टाइम हम फ्री हुए। बहरहाल ये इलाका तो अभी देखने वाला था, लेकिन अब हम रात के वक्त जा रहे हैं तो इंशाल्लाह वापस भी आपको दिखाएंगे जरा। भाई अकेला यहाँ से आएगा? ओ भाई साहब, यहाँ से एक दिन में मुल्तान हो सकता है कराची से? इंशाल्लाह एक दिन में हो जाएगा, करने को तो किया जा सकता है, बस कोशिश करेंगे किया जाए। चलाओ भाई, चला दो। विंड स्क्रीन वो जो है ना वो बिल्कुल ही मैंगो हुई है। अबे लड़के पानी ले आया तू? अभी जो है ना वाइपर, अभी ना मैं अभी नहीं कहूँगा क्या, जब मैं कहूँ। अभी हम सक्कर के मफाजाती मसाफाती इलाके में जो है ना बैठे हुए जो है ना ये वाइपर वाली बात बात है। वाइपर सो थोड़ा तेज चल गया, माजरे चाहते हैं इससे, लड़का भीग गया। तो लड़का एकदम विजन चाह रहा है कि बहुत ज़्यादा विजन मिल जाए इसको। ओ भाई, ओ भाई फुल विजन। ये सिंध का एक ट्रकों वाला होटल है भाई, क्या चल रहा है पेटियों में, क्या जा रहा है। और यहाँ देखें बड़ा माहौल बना हुआ है एकदम यार। ये तो भाई इसको हाथ से कर लेते ना ज़्यादा बेहतर था। ये देखना, ये मैं पानी दोबारा डाल दिया। नहीं नहीं अब नहीं रुकना, अब हैदराबाद में पड़े रुके। सामने सक्कर पहुँच के लाजमी बिरयानी खानी है ना, हैदराबाद ब्रेक मार लेंगे चाय के लिए। ओ भाई और यूं करके निकल गया ना, हमने यूं हो जाना है। ओ भाई क्या माइकल शूमाकर, अल्लाह माफ करे, यूं कर जी इसने ब्रेक मारनी हल्की थी, इशारा करना इसने यूं का यूं निकल जाना, हमने यूं हो जाना है। अल्लाह तौबा, अल्लाह तआला माफ करे। नहीं यार ये बहुत खतरनाक है, मैं तो डर गया। ये खतरनाक खिलाड़ी क्या है भाई, ये कौन है? ये फेयर फैक्टर का मुझे लग रहा है एजेंट है कोई। हां फेयर फैक्टर का विनर है, विनर है। वो पीछे और बंदर आ गया। ओ भाई, ओ भाई, ओ खिलाड़ी नया कंटेस्टेंट आ गए। ओ भाई, भाई आप लगेंगे रेसे। हाँ अब हो गए कंपटीटर। जियो समीर कोच। हाँ जियो तो नहीं, हरकतें तो मरने वाली हैं। वो लिखा हुआ है कराची कराची टू सिंगापुर, वो समीर के लिए शिकारपुर है। भाई लड़का पढ़ा लिखा, पढ़ गया, पढ़ा लिखा नहीं है बस अंधा नहीं है, तीसरा कंपटीटर आ गया, चौथा भी आ रहा है चौथे। ये बाबा जियो जियो मठल, देखा आपने
मुझे ऐसे लगा जैसे आए दिन खबरें नहीं आती, उलट जाएगी गाड़ी, ट्रक में जा लगी, फलाने में जा लगी, वो यही तो चक्कर है इनका, इस बात ही नहीं आती। ये देखो ना, ये रुक गया, फंस गया, ये फंस गया, ये हाँ ये कैच आ गया, नहीं इसको हाँ ये कैच हो गया, कैच दूसरा वाला रोक दिया उसको, लगता है पीछे सवारियों ने कहा रुक जा भाई तेरी मेहरबानी, सवारियों की कौन सुनता है, सवारी उतार के खुद अकेले चला जाता है। एकदम जो है ना वारदात चल रही है ट्रैफिक, अभी हम 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर है जावेद गोट के पास, और बसें जो है ना वो अभी भाई बस के अलावा कोई गाड़ी नजर नहीं पिछले आधे पौने घंटे में, पिछले घंटे में ओ भाई खड्डा है आराम से, के बड़े टायरों ने तो निकल जाना, मेरा दोस्त इसी तरह ना बस के पीछे लगा के ना अमित भाई, वो जो हम आए नहीं थे वो जहाँ चाय भी पी थी हमने मुदस्सिर के घर, सुबह के घर पे याद है शाहगोड, वो इसी तरह बस के पीछे उसने लगाई भी, बस गुजर गई वो भाई उसकी गाड़ी गड़े के अंदर, पानी खड़ा हुआ था, बारिश हुई थी इसीलिए फासला रहना चाहिए गाड़ी से, वो भाई 4 दिन गाड़ी वहाँ पे ना फैसलाबाद बिलालगंज में खड़ी थी, फिर जाके वो सामान सामान मिला, वो कंप्यूटर वम्प्यूटर सब सड़ सड़ गया उसकी गाड़ी का, सब खाली कंटेनर जा रहे हैं कराची की तरफ अपनों से दूर ईद मनाने, ये है वो, ये है बॉर्डर किसका, ये अब किसका बॉर्डर, सिंध पंजाब बॉर्डर, क्या कह रहे हैं उन्होंने बोला कुछ नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, कितने बजे 30 रुपये सब पे 30 रुपये भाई से पूछो, ये बंबू भी है ख्याल के, सब पे ये देखें गाड़ी टूटी हुई है सामने, अब ये कहाँ से आई है, ये तो पता नहीं कहाँ से आके लगी, लगी इसी पे ही आके, ये किधर से आई, ये उल्टा वो बेचारा सो गया होगा क्या पता, उधर से आता उसने ना उसको रेट बता दिया था 1200 रुपये, 1:22 और मोरू पहुंच गए हैं, मोरू भाई वाले मोरू में भाई, सुना ये बहुत खतरनाक जगह है लेकिन चाय स्पॉट है यहाँ, एकदम जो है ना गाड़ी फुली लोडेड चल रही है, गाड़ी में हेलमेट भी पड़ा हुआ, यहाँ कुछ स्नैक्स वगैरह रख लूँ साथ चाय के लिए, ये क्या है रात को इतना रश नहीं होता इधर, ये मसला है वैसे जीटी रोड के ऊपर रात को भी रश होता है ना, रौनक लगी होती है, बिल्कुल हमें लेके ला गाइस, अद्वियात ली जा रही है भाई, मेरी ज़िंदगी का जो है ना ये सबसे लंबा सफ़र है, इससे लंबा सफ़र मैंने नहीं कभी किया हुआ गाड़ी के ऊपर, नॉन स्टॉप 1300 किलोमीटर्स लाहौर टू कराची, और प्रिंगल्स खाने का दिल कर रहा, प्रिंगल्स कैसे लगते हैं आप, कोई खास नहीं लगते यार, आप क्या ला रहे हैं, बहुत अच्छे लगते, चिप्स में क्या अच्छा लगता है आपको यार, चिप्स में बेबी 210 तीन पानी की बोतलें हमने उठा ली क्योंकि पता नहीं रास्ते में जो है ना पानी की किल्लत वहाँ क्या हो जाए, अरे गाड़ी में सफ़र करने का भी अपना मज़ा है, बिल्कुल ही चिल चल रहा है, कितना लंबा सफ़र अगर हम बाइक पे करना होता तो भाई बढ़ जाते, अभी वापसी पे पता चलेगा, वापसी पे हम शायद बाइक पे सफ़र करें, शायद वाली बात है अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होना बाकी हैं, इसने ना उसके सामने ला के रोकी होगी है ना, नहीं ये मुड़ रहा था वो रोक दी सही, ओ तोरी अल्लाह माफ करे सरकार, सारा फ्रंट खत्म हुआ, खत्म हो गया, बंदा नहीं बचा यार, कराची के अंदर आ गया, मुबारक विलेज गए 296 किलोमीटर, ओ भाई भाई है सुनसान रास्ते में सहराई मामले के ऊपर से हम चलते हुए आए हैं, ये हमारे राइट साइड पे सारा जो है ना वो सहरा चल रहा है, और थोड़ा सा इधर थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा इधर चले जाएं तो ये हम समंदर के साथ चल रहे हैं, और इस वक्त अगर आप देखें हमें तो हम यहाँ पर हैं, रक्षे वाला तो लग रहा है, वाह भाई वाह, तो जरा अरे भाई वाह, ट्रेनिंग के लिए जा रहा है बेचारा, पाकिस्तान वाली पाकिस्तान डीजल, के डीजल समुद्री कोने पे डीजल है, ये पेट्रोल ढूंढ लिए हमें, पेट्रोल भाई डीजल वीडल वाली हो क्या करियो, अमित भाई जो है ना वो अभी तक उठ मलंगी रूपोश हुए हैं, रूपोश मलंगी उठ, पेट्रोल दे दो हमें, पेट्रोल भाई वो भाई तुम्हारी गाड़ी तो है ना फक्के पे फक्का मार रही है पेट्रोल का, इससे तो ट्रेन में आते हैदराबाद चले गए बाबा जी, हैदराबाद यार, हैदराबाद पहुंच गए,
ऐसे कैसे पहुंच गए, मतलब अंधेरे में पहुंच गए, अंधेरे में ही निकल रहे हैं। हैदराबाद वाला कोई बॉय अगर देख सिंध हमारा सारा दिमाग रात ही हुआ है, पूरा सिंध रात है, सिंध सारा हमारा रात ही हुआ है, कुछ भी नहीं देखा बस हम महसूस। मुजफ्फरगढ़ से ऑनवर्ड रात को ही निकले और अभी चार बज गए, सवा चार हो गया सुबह, चार बजकर सवा चार हो गए, तो हम अभी भी सात बजे तक पहुंचेंगे ना, तकरीबन सात बजे पहुंच जाएंगे, सात बजे तक पहुंचेंगे और नाश्ता करेंगे और फिर काम करेंगे और फिर निकलेंगे वापसी। भाई ये तो अगला दिन शुरू हो गया, तो भाई ये तो ऐसे ही, और वो दिखाया पीछे अभी हमारे वो जो लड़का जो है ना पीछे मधुश हुआ है, बंदा जो था हाँ वो बंदा खत्म है जो जिसने हमें गाइड करना था, हाँ तो हम खुद ही अब गाइड हो रहे हैं गूगल मैप से, रास्ता भी हमने गलत ले लिया, सुनसान सड़क पर भी आ गए, सारा कुछ सीधे ऊपर भी चढ़ गए और पता नहीं कहाँ कहाँ उठता है। कराची हैदराबाद मोटरवे M9 पहली दफ़ा जा रहे हैं, इसके ऊपर बाइक्स भी अलाउ हैं, है ऐसे ही है बस, हाँ सब कुछ अलाउ है इसके ऊपर, नहीं करो ये नॉर्मल मोटरवे बदे नहीं, इन्होंने ये वाला जो नॉर्मल रोड है ना इसका मुतबादिल कोई नहीं है ना कराची जाने का, इससे पूछना, इससे पूछना बाइक अलाउ, बाइक अलाउ है ब्रो, कोई नहीं मामा, कोई नहीं मामा, चलो कोई नहीं बंदे को बाबा, बाइके रक्षे सब अलाउ है बाबा। भाई ये पहला मैंने टॉप पर देखा जहाँ कोई था ही नहीं, कोई बंदा ही नहीं था, था ही कोई नहीं वो, भाई ये तो तरक्की हो गई बहुत ज्यादा, अभी मैं दिखाता हूं AI चल रहा है यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, कोई बंदा नहीं है इधर और बूथ जो है ना खाली पड़े हैं। भाई ये मैंने सिंध में आके देखा, उसके अलावा जो है ना बाकी मामला तो बैठा रहा है। अब हमने देखना है यहाँ मोटरसाइकिल, अगर इस अभी रात के टाइम तो मोटरसाइकिल नजर नहीं आएंगे आपको, खैर होना चाहिए कोई ना कोई जो ऐसा कोई बंदा नहीं चला रहा होगा यहाँ, कोई शख्स होना चाहिए, इसके मुतबादिल रास्ता कोई नहीं ना जा रहा है कराची को, यही रास्ता है सिर्फ कराची को जाता है। कितने किलोमीटर है मोटर में, 130 किलोमीटर ओ भाई, 137 बाइक चलेगी क्या, ओ भाई ओ भाई, कराची से तकरीबन हम 30 किलोमीटर दूर है और वॉशरूम ब्रेक फ्रेश ब्रेक स्टफ और अवैस जो ना वो सो रहा है, अवैस की बस हो गई क्योंकि 70% गाड़ी तो अवैस ने चलाई, 80% और सुबह 7 बजे से ये निकला हुआ है, तो ये तकरीबन 23 घंटे से ये गाड़ी पे, लेकिन लाहौर से हम निकले थे 11:30 बजे धुंध की वजह से और अभी जो है ना वो 6 बज गए, तो 11, 12 और 6 तकरीबन ये 18 घंटे हो गए, अभी कराची 30 किलोमीटर दूर है, आज थोड़ा लंबा सफ़र कर लिया, लॉन्गेस्ट राइड एवर, तो गाड़ी बड़ी कंफर्टेबल रही है भाई, ओ ये है भाई। अभी मैंने वैस को बोला कि भाई मुझे तू दे दे मैं चला देता हूँ, देखें क्या होता है। एनीवेज आज हमने जो करना है वो हमने करना है, तो इस ब्लॉग को हम देखेंगे कि हम अभी घर पर जाने तक इख्तिताम कर दें, कराची तो आपको क्या दिखाया मैंने, सारा तो रात में हुआ, तो वापसी पे अगले ब्लॉग जो है ना उसमें आपको दिन में कराची दिखेगा इंशाल्लाह, प्लस एक और भी इवेंट हो सकता है, एक्सक्लूसिव ये टॉयलेट्स हैं तो 20 रुपये लेते हैं पर हेड, 20 रुपये। कराची के बारे में बताओ जो बात, फाइनली 24-25 घंटे मुस्तकिल गाड़ी चलाने के बाद हम लोग कराची इंटर हो चुके हैं, कराची नहीं किरांची। क्यों दिल्ली करवाना है बर्गर इसको क्यों भाई, वो लोग एतराज करेंगे, अबे क्यों एतराज करेंगे, किरांची है किरांची नहीं है, बोल रहे हैं बोला जी आपने किरांची, वो जिसपे उसका वो बन रहा है याद है, इसका क्या बन शहबाज शरीफ ने हमले शहबाज शरीफ में, क्या बात है भाई, लोड लो रहा जो कहते हैं, भाई ना हमने कभी कुछ कहा किसी को लोड लो करना, नहीं हम इधर वोट में मांगने के लिए आए बैठे, ऐसे ही अजीब है किरांची किक आउट होना चाह रहे हैं हम, अबे थंबनेल के ऊपर लिखेंगे किरांची, किरांची आए हैं कराची से ईद मनाने, सख्त लोंडे हैं कराची आए हैं होंडा में बैठ के, होंडे ठीक है होंडे, कोयटा ग्वादर 2 किलोमीटर सिर्फ ग्वादर टोटल 2 किलोमीटर यार, फर्स्ट लुक ऑफ कराची अभी तक तो ओके है, मोटरवे नुमा चीज थी एक रास्ते में, मोटरवे कहते हैं वो मोटरवे ही है, मैंने कहा भाई कभी लाहौर आओ दिखाते हैं मोटरवे, कितना बड़ा कराची लाहौर से 3 गुना बड़ा, बहुत बड़ा पता नहीं गुना के साथ, ओए भाई 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 घूमते ही अपने आप को, ओ भाई ये देखो तैयारा आ रहा है, इतना बड़ा कराची का तैयारा, पीछे सनराइज हो रहा है, तो भाई वैसे तो सो जा,
फाइनली जो है ना कराची की सरजमीन पे हमने कदम रख दिया, लैंडिंग हो गई है और सब्जी जो है ना वो हम देख रहे हैं इस वक्त बसी और ईद रकबे के ऊपर लगाई गई है। अवेश सब्जी देखो ना। अच्छा तो मुझे बताएं इस तरफ क्या है अमीर भाई, इस तरफ क्या है? इस तरफ कराची की आबादी है। सारा शहर इस तरफ है? हाँ जी सारा शहर। ये भी आपके अराउंड शहर है? सारा शहर है। तो यहाँ क्या शहर पूरा शहर? नहीं समंदर भी किस तरफ है ना? सूरज किधर है? सूरज वो निकल रहा उधर से, इधर समंदर है। अच्छा इस तरफ समंदर है। यहाँ से कितना? इधर से कराची यूं जा रही हूँ और इधर ही क्वेटा है। यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर होगा। क्या समंदर? नहीं कम है। नहीं 25 कम है। यहाँ से 25 है लाला। तो ये एज पे बैठे हुए हैं। ये तो ऊपर नीचे है, ये ऊपर नीचे है, आगे जाके सीधा जाता कराची भजन। कराची सारा का सारा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे बिल्कुल। तो ये इधर आए कटी पहाड़ी की तरफ, वो देखें पहाड़ी नजर आ रही है थोड़ी सी कटी हुई है, वो कटी पहाड़ी है वो। यार ऐसे नहीं करें, कटी पहाड़ी कटी हुई है, ऐसे है कटी पहाड़ी। थोड़ा सा और काट दो बाकी रहेगी, बाकी तकरीबन कटी पहाड़ी। यार ये गलत बात नहीं कर रहे हैं बाहर। अभी हमारा प्लान ये है कि हम थोड़ी देर के लिए आराम करें। बेवकूफ तो नाना बनाए यार, ये इधर बिठा के उनको कड़ी पहाड़ी दिखा दियो यार। भाई जान अभी रुक, मैं इधर से कैद आजम को मजार भी निकालूंगा, उधर समुंदर भी निकालने लगे। फिर उसके बाद हम आपको भी मजार यहाँ पे बना देंगे। कराची इधर ही इतना ही घुमा दो यार, मुझे ड्राइवर करा दो बस। बाइक आप लेके आए, इनको ड्राइवर कराए गाड़ी। अब मैं बताता हूँ, बातों के तहे लगाए जा रहे हैं। 7:09 सोने लगे हम थोड़ी देर के लिए। अवैस ने नींद पूरी अपनी करनी है, मैं भी, तो इसके बाद फिर ये वाला पहला व्लॉग यहीं ख़त्म है। इसमें आमिर भाई सोए रहे हैं काफ़ी अर्सा, आज के व्लॉग में भी सोए रहेंगे ये। ये सब तक पीछे बैठे हैं, ये सोए रहते हैं और ये आगे कभी बैठते नहीं है। ओ भाई हेलो हेलो, ओ भाई हेलो, क्या हुआ? नींद आ रही है। अच्छा कितने बजे जाना है? 300 किलोमीटर का डाला हमने। 11 बजे कितने घंटे में? नहीं यार तकरीबन 20-21 घंटे में गया। ओ भाई वाह, शक जाग सकता हूं, मुझे तो इशू नहीं है। नहीं फिर उसको मैं फोन करता हूं। बुखारी भाई का बहुत शुरू है मछलियां खिलाने का, प्लान करते हैं 9 बजे जल्दी का। अगला व्लॉग जो है यहीं से शुरू करेंगे, इससे भी फ्रेश अप होके। बुखारी भाई शुक्रिया, यो मछली के लिए मैंने कर दिया शुक्रिया बुखारी भाई का। हम ना करें, मैंने भी कर दिया बुखारी भाई। बुखारी भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मछलियां खिलाई। सरकार इधर भी अगली दफा इनवाइट कर रहे। तो बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें मच्छी खिलाई, हमने वापसी में भी आना है आपके पास, इसीलिए शुक्रिया था। तीन दफा कर चुके हैं मेन पिचेस। और एक हमारे थेबो साहब हैं, एक हमारे थेबो साहब हैं, उनसे भी हमें अपना मच्छी की सज्जी की उम्मीद है, तो उनका भी एडवांस शुक्रिया। वीडियो लेट अगर हमें लग गए, वीडियो लेट आएगी अगर हमें लग गए तो। पहली दफा अभी तक तो कराची ऊपर नीचे लग रहा सी बहुत, ऐसे जैसे खंडर बंडर हो रही है, शहर में जैसे भी बहुत पीछे है यार। ये ऐसी है जैसे बंदा गिलगित जाए जिंदगी में पहली दफा और रात को जाए। हाँ ये चीज है अभी फिलहाल, अभी तो कराची अंदर है बहुत। अच्छा यार मैं अब बताया करूँ फिर उसको फोन किया।